जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ज्वेलरी एंड डायमंड सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है वैभव ग्लोबल, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, यानी ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से एक अच्छी रैली आ सकती है? अगर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आती है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है? और इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर 2-3 साल का नजरिया बाइंग करने का, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों, एक जो पावर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है जेपी पावर, जो 80% डाउन है, इसमें एचडीएफसी लाइफ जो शेयर है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकुमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये वैभव ग्लोबल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कोई भी स्टॉक को अगर बाइंग करते हैं, तो अगर उसका अप ट्रेंड होगा तो ये मान के चलो उसमें अपन अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये जिस तरह से ट्रेंड को, इस तरह से होता है कि अपनी लाइफ में अगर कभी कभार आपने देखा होगा कि जिससे अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हो, अब ट्रेंड चल रहा हो अपना, तो हमने अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम आ भी गई तो वो जल्दी सोल्व हो जाती है। दूसरी बात, अगर अपने लाइफ का डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मतलब लाइफ में ज़्यादा समस्याएं आ रही है, कोई ज़्यादा 1-2 साल के लिए आपकी समस्याएं आ रही है, तो आप देखोगे कि छोटी सी प्रॉब्लम से अपन कोई दिक्कत होने लग जाती है कि यार और कितनी आएगी प्रॉब्लम। ये इसी तरह से होता है, तो अपने को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को समझना जरूरी होता है। तो अप ट्रेंड अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो अपने को बाइंग करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, न कि डाउन ट्रेंड में अपन बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो अप ट्रेंड को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है? हायर होता है, ये हायर टॉप होते हैं। बॉटम को लिया तो ऊपर वाला हायर बॉटम, ये इस तरह से अब ट्रेंड में आप देख सकते हो कि हायर टॉप और हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। और फिर बाद में होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को इस तरह से होता है, डाउन ट्रेंड को आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जैसे छत है, तो छत के ऊपर जिस तरह से अपन जाते हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो छत में इस तरह से ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर कोई इंसान छत पे घूम रहा है तो पता नहीं चलता कि ये डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ कब आएगा। कब पता चलता है? जब उसका एक हायर टॉप पैटर्न होता है, उसको ये मान के चलो कि यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन करता है, मतलब नीचे की तरफ आता है, ऊपर वाली लास्ट सीढ़ी है उसको अगर वो नीचे की तरफ उसको काट देता है, नीचे की तरफ पैर रख देता है, तो यहाँ पर अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया है। फिर ये डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, ये डाउन ट्रेंड आ गया, फिर यहाँ से एक रिवर्स करता है, तो रिवर्स करने का मतलब होता है कि यहाँ से मान लीजिए कोई डाउन ट्रेंड में इसको बोल दिया जाए कि वापस आपको छत पे जाना है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, वो घूमेगा और फिर जो लोअर जिस यहाँ का जो लोअर टॉप पैटर्न था उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तो वहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरा होता है साइडवेज, जो कंसोलिडेट फेज होता है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना होता, शांति से साइड में बैठे रहना होता है। तो ये इसमें क्या है कि एक रेंज बना लेता है जहाँ सपोर्ट पर कोई बाइंग करनी, बाइंग टीआरसी भी मिलेगी, और रेजिस्टेंस पर केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत किया जा सकता है, तो इससे ज़्यादातर बचना चाहिए। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को हमने इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करें वैभव ग्लोबल की, देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर एक बार भी देखो, एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, तो लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे, ठीक है, लोअर टॉप पैटर्न बन रहे, तो एक बार भी इसमें ट्रेंड को चेंज यहाँ तक नहीं हुआ था। अब देखोगे कि मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी कैंडल बनती है, मतलब अच्छी कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ से देखो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन गई थी, और ये एक रेजिस्टेंस था और ब्रेकआउट इसको कर गया। ब्रेकआउट के बाद में देखो ये पुलबैक पैटर्न आया, फिर एक बार चला, तो यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, उस पैटर्न को आप बोल सकते हो कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न किस तरह से बनता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ और फिर बाद में, तो ये एक यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ। पोल एंड फ्लैग पैटर्न किस तरह से बनता है ये देखिए, यहाँ इस तरह से एक पोल बनता है और ये एक फ्लैग बनता है, जिस तरह से तिरंगा होता है, मतलब ये कंसोलिडेट होता है और यहाँ पर एक बाउंस, अच्छा मूवमेंट आता है, बस ये ध्यान रखना। ये सीधे यहाँ पर कुछ छोटा मोटा अचानक ये चीज़ें होती है, धीरे धीरे नहीं होती, इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेट होता है। तो ये पोल एंड फ्लैग आप देख सकते हो कि छोटी छोटी इस तरह से बन रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाउंस, देखो ग्रीन कैंडल ये बाउंस वाली दिखाई दे रही है इस तरह से, तो ये यहाँ पर देखो पोल एंड फ्लैग छोटे छोटे बन रहे हैं अभी, तो इसमें ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब अगर इस लेवल पे 400 पे ये ब्रेकआउट हुआ था, अभी ट्रेड कर रहा है 470 के लगभग, तो इसमें अच्छा मोमेंट आने की पॉसिबिलिटी और बनती है। एक बार ये अब देखो धीरे धीरे रेजिस्टेंस ले रहा है, पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको ब्रेक कर देगा तो और अच्छा मोमेंट आएगा। मतलब जो प्राइस है वो कितनी है,
मतलब 500 के लगभग है, 530 इसने टॉप लगाया, अभी 60 पॉइंट के लगभग नीचे की तरफ है। तो इसको एक बार ब्रेक कर देगा ना 530 को, तो और अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो अब इन लेवल पे कोई भी, इस लेवल पे 400 के लगभग यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी मिलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और या फिर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न और बाद में बाइंग टीआरसीपी के साथ में अपन बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक बाइंग टीआरसीपी भी बन चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार बाइंग टीआरसीपी देखे तो प्रॉपर नहीं बनी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर बनी नहीं है। तो एक बार यहाँ बनती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस लेवल का एक इंपॉर्टेंट है, ये लेवल है 530 के लगभग, और इसमें बाद में आपको रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन जाएंगे। कौन कौन से रेजिस्टेंस मिलेंगे, ये इसके रेजिस्टेंस रहेंगे इस तरह के। अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, पॉसिबिलिटी अभी बना नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए, तो आपको अगर ये बन जाता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, एक यहाँ पर एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। राउंडेड बॉटम पैटर्न इस तरह का होता है कि यहाँ से देखो, अब इसका कई कई स्टॉक होते हैं जो नीचे की तरफ इस तरह से गिरते हैं तो वो इस तरह से ही ऊपर चले जाते हैं, और इस स्टॉक का बिहेवियर था कि ये देखो ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा था धीरे धीरे, तो इसी तरह से ही जाएगा ये अचानक इस तरह से जाने वाला नहीं है। ये एक साइकोलॉजी टाइप का पॉइंट होता है, जिस तरह से इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो अपने को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये टारगेट 1000 तक दे सकता है दोस्तों, ठीक है, 1000 तक टारगेट मिल सकता है, लेकिन जो लेवल होगा वो धीरे धीरे जाएगा, अचानक नहीं जाने वाला। तो ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा, राउंडेड बॉटम यहां तक पैटर्न बन जाएगा, फिर यहां पर राउंडेड बॉटम पैटर्न बनने के बाद में आपको यहां अलर्ट हो जाना है। कैसे, कि एक रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस 1000 के लगभग, तो यहां पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल है ये, यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस बन सकता है। और फिर बाद में देखिए राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा ये, तो राउंडेड बॉटम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा इसको, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ रुकना 100% मान सकते हो, यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको अप ट्रेंड में और काम करना होगा, अप ट्रेंड की रैली और देनी होगी, तो देखो कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है यहाँ पर, तो आप इसमें देख सकते हो फिर कि ऊपर की तरफ और रैली देने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इस तरह से पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन कौन से लेवल अपने को ध्यान रखना चाहिए, इस रेजिस्टेंस आपको किस तरह से ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस को अचानक यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये मान के चलो इसमें और नीचे की तरफ वापस आना चाहिए, वापस जो रेजिस्टेंस होगा 2-3 बार इसको रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा वापस, मतलब ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा, जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो सपोर्ट का काम करेगा, और फिर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी लेके फिर ऊपर की तरफ वापस रैली चली जाएगी। इस तरह से इसमें देखा जा सकता है। अब इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अपन चलते हैं पहले बिजनेस मॉडल पे। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये इसका देखिए वेबो ग्लोबल, ये डायमंड और ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, टाइटन के बाद में इसी का बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और जो अलग इसकी बात करें तो पर्सनल केयर की, जो अपन घर में यूज में करते हैं परफ्यूम या आदि चीज़ें पर्सनल केयर में, तो उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका भी बिजनेस मॉडल है। तो देखिए स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट किस तरह के आते हैं। देख सकते हो आप डायमंड में इस तरह से ये ज्वेलरी पर्स, ये सारे रिंग, ये सारे इसका घड़ी है, इसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये देख सकते हो इसके जो ये आते हैं ये प्रोडक्ट, इनका भी है, ये सारे मतलब पर्सनल केयर में लेडीज के लिए जो सजती है लेडीज, तो उनके लिए प्रोडक्ट ये सारी मतलब पूरा पर्सनल केयर पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये इसका बाद में डायमंड वाला इस तरह का, ये आप इसमें देख सकते हो जो भी ये सामान दिख रहा है आपको, ये उसका भी वो इसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ज्वेलरी से रिलेटेड है, ज्वेलरी हमने देखा, देखो ये इसकी तरह की रिंग टाइप के, ये इसका चेन है इसका, और भी देख सकते हो ये इसका पर्स है, परफ्यूम भी है, और ये इसका वॉलेट है, और इसमें देख सकते हो और भी इसी डिज़ाइन है, और ये आप इसमें इस तरह की मतलब वो वापस रिपीट हो रही चीज़ें, तो ये इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीज़ें। प्रेजेंट की बात की जाए तो ये कितने 30 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस मॉडल चलता है, 30 कंट्रीज़ में आउट ऑफ इंडिया भी, मतलब जैसे US, UK, जर्मनी, चाइना, इंडिया, और इन अलग अलग देशों में कहाँ कहाँ ये लोकेशन है वहाँ पर भी ये इनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये और कंपनीज इसकी बाद में देखिए, जैसे शॉप LC जर्मनी में है, इनका अलग अलग दूसरे देशों में अलग अलग इसका नाम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत है इसमें शॉप LC USA, तो ठीक है, ये इसके हाईलाइट है, और ये इसका बिजनेस मॉडल अपने डिस्कस कर लिया। अब इसके थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह के फंडामेंटल है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 7808 करोड़ का मार्केट कैप है। बाद में करंट प्राइस की बात करें तो 472 है, हाई गया इसका 543, बाद लो गया 269 है। स्टॉक पी की बात करें तो 59 है, और इसकी फेस वैल्यू इसकी 2 है। ये डिविडेंड भी अच्छा देती है, 1.28
परसेंट के लगभग ये डिविडेंड भी देती है, बहुत अच्छी मतलब के अच्छा ये डिविडेंड देती है। टाइटन इसकी कंपनी की बात करें तो देखो टाइटन भी है, कल्याण, राजेश एक्सपोर्ट, वेबो ग्लोबल है, ये सारी और दूसरी बीपीसी ज्वेलर, ये सारी इसकी कंपनी है, पेयर कंपनी है। अब इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सेल कितनी है इसकी देखिए, जून, सितंबर और दिसंबर, इसका जून का कितना 658 है, फिर बाद में 785 है, बाद में 888 है। तो देखिए सेल इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिस तरह से चार्ट भी अच्छा होता जा रहा है उस तरह से इसका सेल भी बढ़ रही है। अब इसके देखेंगे क्या हो रहा है, आगे देखना पड़ेगा। फिर एक्सपेंडिचर देखेंगे, एक्सपेंडिचर में देखो 600 था, 642 है, बाद में 795 है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो सेल भी ठीक हुई थी। तो अब देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, वो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 23, बाद में 30 और 29 और बाद में 47 है, तो इस तरह से इसका न्यू। अब देखिए ये क्यों है कि आपको पता है इनका मतलब बिजनेस मॉडल है, ज़्यादातर शादियों में या और इस तरह से ज़्यादा बिजनेस मॉडल चलता है, तो वो एक बार रेवेन्यू इस तरह से कम ज़्यादा इसके प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का, अब इसका अपन देख लें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है, 33 का है, फिर बाद में रिजर्व इसके पास में 1190 है, और कर्जा इसके पास में देखो कर्जा 1685 है, कर्जा इतना है। और फिर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में देखो 57 होल्डिंग है, फिर बाद में FIs की होल्डिंग 22% है, DIs की होल्डिंग 5% है, और पब्लिक की होल्डिंग 15% के लगभग है। तो होल्डिंग भी अच्छी है और सबकी एकदम बहुत ही शानदार होल्डिंग है। 1,00,000 मतलब 1,17,442 लोगों ने मतलब कि इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अब वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं कि किस तरह से और इसमें देखा जा सकता है। तो पैटर्न हमने देख लिए, पैटर्न राउंडेड बॉटम पैटर्न बन सकता है, और फिर ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है इस लेवल पे, तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी धीरे धीरे बन रहा है। तो छोटी क्वांटिटी में या किस मतलब यहाँ पर कोई बाइंग टीयर जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, अच्छा मूवमेंट और आने की पॉसिबिलिटी ये जो राउंडेड बॉटम पैटर्न बनेगा, फिर कप एंड हैंडल पैटर्न आपको वॉच लिस्ट में है, ये पॉसिबिलिटी है कि किस तरह से इसमें पैटर्न बन सकते हैं। 1000 के लगभग एक बार टारगेट आपको धीरे धीरे आने वाले, एक दिन में नहीं होगा। इसका बिहेवियर देखो इस तरह से है, धीरे 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 आएगा, तो ये आपको धीरे 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 ही जाएगा, वो ही सही रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर सकती है और यहाँ पर किस तरह से काम किया वो देखते हैं। देखिए एक बॉटम लेते हैं, एक टॉप ले लेते हैं। अब देखो हम डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर अगर 61% और 70% पर मिल जाते हैं तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ देखिए 78% पर रिट्रेसमेंट पर यहाँ मिला था, एग्जैक्ट बात करोगे यहाँ पर रुका भी था एग्जैक्ट। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह का होता है कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको ड्रॉ नहीं करना आता वो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब देखिए एक बार रेजिस्टेंस 61% पर रेजिस्टेंस मिला था एग्जैक्टली, अब 50% की रिट्रेसमेंट पर एक बार आपको वापस जाएगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे जाता जाएगा। और अगर इसको देखो एक तो इस तरह से लेते हैं और फिर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं जिससे कि आपको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, इस तरह से एक बार 61% पर रुक सकता है, 78% को ब्रेक कर देगा, तो फिर बाद में ये एक बार 1000 पर चला जाएगा। अब बात करते हैं कि 200 मूविंग एवरेज हमने किस तरह से काम करती है उसको भी देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज का मतलब है कि कोई भी स्टॉक अब ट्रेंड में रहता है तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रहना चाहिए, ऊपर की तरफ ही रो रहता है। अब 200 मूविंग एवरेज अपन मूविंग एवरेज देख लेते हैं, एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज देख लो, था ईएमए देख लो, कोई से भी देख लो। अब देखिए इसमें 200 मूविंग एवरेज हमने ये लगा दी है, ये कौन सा वीकली टाइम फ्रेम है ना, वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर एक बार इसको ब्रेकआउट कर दिया, और डेली टाइम फ्रेम में ऊपर होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में एक बार ऊपर की तरफ ही है दोस्तों। पहले देखो किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था उससे, ये भी मूविंग एवरेज होती है। कभी कभार क्या है कि कई स्टॉक काम नहीं करते इस पर, कई स्टॉक होते हैं जो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अब देखिए जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उस तरह से इसका भी बिहेवियर रहता है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था ऊपर की तरफ ब्रेक, कोविड की बजाय फिर ऊपर की तरफ ही था, फिर बाद में देखिए ये ब्रेक डाउन कर दिया, पुल बैक पैटर्न वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, बार बार इसका देखिए रेजिस्टेंस मिल रहा था, बार बार रेजिस्टेंस, और ब्रेकआउट किया तो देखो एक बुलिश कैंडल बनी है। अब अगर आपको कहीं भी किसी भी कंडीशन में जो हमने लेवल डिस्कस किए थे नीचे, अगर यहाँ पर लेवल मिल जाते हैं तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। वापस ब्रेकआउट हो चुका है, ये जो फ्लैग पैटर्न है वो बना है, इस तरह से देखो फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं,
तो लगभग मतलब 400 के लगभग मिल जाता है, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको किसी भी स्टॉक में एनालिसिस आते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूं, हर फ्राइडे सैटरडे संडे को। जो फ्राइडे सैटरडे को हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, बिजनेस मॉडल का देखते हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से देखते हैं, क्या क्या बैलेंस शीट में देखनी चाहिए वो सारी डिस्कस करते हैं। और संडे को हम डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से देखा जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न। पिछले 2 क्लास हो चुकी है बाइंग की और सेलिंग की, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं। जो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता वो सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, और जिनको पता है वो भी सीख सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है, 1000 तक देख सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। ये जो डिसीजन होंगे वो सब मेरे लिए होंगे, मैं ही इसको बाइंग करने के लिए इस तरह से जो डिसीजन हमने लिए वो इस तरह से मेरे लिए लागू होंगे। तो पैटर्न बन रहा है इस तरह से, तो आप देख सकते हो, रणनीति बना सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।